इन दिनों नौणे विश्वविद्यालय में माइक्रो इरिगेशन तकनीक पर प्रशिक्षण लेने पहुंचे ऊना के किसान बलिंदर सिंह प्रदेश भर में आए किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। आपको बता दें कि किसान बलविंदर सिंह खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई गीत लिख चुके हैं और उनका मानना है कि प्रदेश में खेती एक फायदे का सौदा है, जिसे यदि मन लगाकर और बिना किसी तनाव के किया जाए तो प्रदेश के किसानों को इसका काफी लाभ पहुंच सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए किसान बलविंदर सिंह ने खेती करने का एक नया तरीका निकाला है, जिसमें किसान खेती से संबंधित गीतों को सुन सुनाकर तनावपूर्ण खेती कर सकता है। बलविंदर ने अभी तक शून्य लागत खेती, मधुमक्खी पालन व सेब के महत्व के साथ साथ किसानों को अपने उत्पाद की मार्केटिंग करने में जो भी समस्याएं आती हैं, उन पर कई गीत लिखे हैं, जिन्हें जल्द ही वे किसानों तक पहुँचाने जा रहे हैं। सुनो लोक जीवना मारे मात लेदा कर कर फलांदा बगीचा दिसदा सोलनी टमाटर रदे डब्बे पर दे आड़ू कनकी बिया दे तेरे सजदे जीना मारे मात लेदा सुनो लोको जीना मारे मात लेदा आड़ू कनकी बिया दे तेरे सजदे कांगड़ी चालो को ताजा रखी थी दूरा दूरा तक अपनी पछाण छड़ दी मंडी आरी से पू बड़ी दिल ठग दी मंडी आरी से पू बड़ी दिल ठग दी दूरा दूरा तक अपनी पछाण छड़ दी। किलाउना के रहने वाले किसान बलविंदर सिंह की इस तरह की पहल से नौणी विश्वविद्यालय में प्रशिक्षण लेने पहुंचे प्रदेश भर के किसान काफी सराह रहे हैं और किसानों का मानना है कि बलविंदर सिंह की खेती की विभिन्न तकनीक को बताने वाले व मोटिवेशन गीतों के जरिए खेती को काफी आसान और मजेदार बनाया जा सकता है। वहीं किसान बलविंदर सिंह ने बताया कि उन्होंने किसानों को जागरूक करने के उद्देश्य से शून्य लागत खेती, देसी गाय के महत्व, मधुमक्खी के महत्व आदि पर कई गाने लिखे हैं, जिसे जल्द ही वे किसानों तक पहुंचाएंगे और निश्चित तौर पर किसानों को इन गीतों से मोटिवेशन मिलेगा और वे बिना किसी तनाव की खेती कर सकेंगे। वहीं किसान सुरेंद्र सिंह ने बताया कि वे इन दिनों नौणे विश्वविद्यालय में बलविंदर सिंह के साथ ही प्रशिक्षण ले रहे हैं और बलविंदर सिंह की खेती बाड़ी से जुड़े गीत उन्हें व अन्य किसानों को काफी प्रभावित कर रहे हैं और इनके गीतों के माध्यम से खेती को और भी सरल बनाया जा सकता है। खेती के प्रमोट करने के लिए मैंने बहुत सारे ऐसे गाने लिखे हैं, जिसमें आज की तारीख में शून्य लागत खेती को सरकार भी प्रमोट करने जा रही है, तो उसमें मैंने जो देसी गऊ का पालन है, देसी गऊ के गोबर गूत्र से हमें कौन से मैन्योर प्राप्त होते हैं और उसके जो जो क्षमता है मिट्टी की उपजाऊ बनाने में, जो हमारे मित्र कीट हैं या जीवाणु हैं उनमें कितना इजाफा होता है, तो उनके बारे में अभी मैंने गाने लिखे हैं। और उसके साथ साथ जो हमारे जो बागान, जो हिमाचल की जो एक शान है एप्पल वेल्ट, तो उसके प्रति भी मैंने सेब की कितनी महत्ता है, तो उसको भी मैंने गानों के माध्यम से जागृत किया है। जो हमारे किसान इतने प्रगतिशील होते हुए भी आज उनको मार्केटिंग के लिए कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, तो जो मेरे गाने हैं एक मोटिवेशन का काम भी करते हैं। मैं ये उम्मीद करता हूं कि जो मेरे गाने हैं वो किसान उनको सुनने के साथ साथ उनको खुद भी गुनगुनाए और एक खेती का मजा भी आए और खेती में एक जो घाटे की जगह एक बढ़भार भी आए और उसका एक पूरा का पूरा आनंद ले और उनको एक अच्छा इंस्पिरेशन मिले।